हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज ट्यूसडे और अभी बज रहा है इवनिंग का 7 o'clock। और यहाँ पे आज सुबह से थोड़ा बहुत कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप है, तो कभी हल्का सा कंफर्टेबल लग रहा है, अदरवाइज फिर से ह्यूमिड। तो इट्स अ मिक्स वाला वेदर चल रहा है। तो वही बॉडी को भी थोड़ा कस्टम होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहो। और वैसे भी ऐसा है ना कि आजकल कुछ थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तबीयत तो डर लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं, क्योंकि आज ही इतने दिनों के बाद, मतलब आई थिंक 15-20 डेज से ज्यादा हो गया होगा कि लास्ट कोई कोविड पेशेंट हमारे यहाँ मिले थे। बट आज फिर से बिल्डिंग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आज आया है कि एक और कोविड पेशेंट है जो कि दूसरे बिल्डिंग में है, बट उनके घर की जो फुल टाइम मेड है जो उनके साथ हमेशा ही रहती है 24 घंटे, उनको हुआ है। बट लकीली फैमिली को नहीं हुआ। तो बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने जो उनकी मेड है उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया है, एक अच्छे हॉस्पिटल में, सो दैट शी इज टेकन वेरी वेल केयर ऑफ, और इन लोग भी थोड़ा सेफ रहे। बट वही इनको पता नहीं है कि उसको कहाँ से हुआ है, बिकॉज जब से लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है शी हैज नेवर गॉन आउट ऑफ द सोसाइटी, बट सिर्फ सोसाइटी का जो मार्केट है वहीं जाती थी। तो अब वहां से हुआ है, अब पता नहीं कैसे घर में हुआ है। उनके सारे मेंबर्स के रिजल्ट नेगेटिव आया है, सिर्फ हाउस हेल्पर का ही पॉजिटिव। सो वही यू नेवर नो हु इज मूविंग अराउंड यू एंड इज एसिम्प्टोमेटिक। पता नहीं, मैं तो कब से घर में हूँ, मैं तो निकलती ही नहीं हूँ, इवन वॉक भी नहीं जाती हूँ, जबकि हमारा जो योगा क्लास है वो अब फिर से रीस्टार्ट होने की बात चल रही है। मन तो कर रहा है बट हिम्मत नहीं हो रही, बिकॉज चांस लेने का भी मन नहीं है बिल्कुल भी। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वेट करूंगी, फिर करूंगी, ज्वाइन करूंगी शायद। तो यही सब चल रहा है मन में, दिमाग में। तो कभी मूड डाउन रहता है, कभी अप रहता है, तो गोलमोल। बट एनी हाउ, आज मैंने ना बंगाली चैनल में कल दिखाया था, तो आज आपको दिखा रही हूँ। ये जो मेरे जो पीछे ये जो ब्लैक बोर्ड है, आजकल ना मैं इसमें एवरीडे अपना मेन्यू लिख के रखती हूँ। तो आज लंच में अच्छा अच्छा बना के खा लिया है। आज बना था घी रोस्ट चिकन और साथ में बनाया था पूरी बंगाली लूची, इसको बोलते हैं, थोड़ा मैदा आटा वगैरह मिला के। तो क्योंकि लंच हो गया था इतना हैवी, तो डिनर करना है ऑफ कोर्स थोड़ा सा लाइट। तो यही है आज के दिन का शुरुआत, ब्लॉग का शुरुआत। तो चलिए आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं थोड़ा सा चाय पी के। आज जो मैंने चिकन घी रोस्ट जो बनाया था वो रेसिपी आएगा प्रेशर कुकर रेसिपी वाले चैनल में। और वैसे ना अगर मैंने देखा है मेरे कुछ जो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं वो भी थोड़ा कंफ्यूज है, तो आई डोंट नो आप लोग भी कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो कि ये सारे मेरे एक ही चैनल के पार्ट है। ऐसा नहीं है, मेरे अभी 4 डिफरेंट चैनल है। एक तो ये वाला सुदीप्ता लिव्स नाम का चैनल है, सेकेंड है जो प्रेशर कुकर रेसिपी नाम का दूसरा चैनल, वो है कुकिंग चैनल, उसमें मैं सारे रेसिपीज बनाती हूँ सिर्फ प्रेशर कुकर में। थर्ड है बंगाली व्लॉग चैनल, नाम है प्रवासी बहू। प्रवासी बहू मतलब नॉन रेसिडेंट बंगाली, जैसे कि NRI बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, वैसे ही बंगालीज जो बंगाल में नहीं रहते उनको प्रवासी बोलते हैं। तो वही एक प्रवासी बहू, बहू मतलब तो पता है, बहू मतलब वधु बहू उस टाइप का। तो थर्ड जो बंगाली चैनल है उसका नाम है, फिर से बोलती हूँ, प्रवासी बहू। और फोर्थ एक और चैनल है जो कि मेरे खुद के नाम से, सुदीप्ता चक्रवर्ती, उसमें मैं अभी सो के उठ के आया, उसका मुझे फिर से बाल बांधने हैं ही आज ठीक। और फोर्थ चैनल है मेरा, वो है नाम से, जो फोर्थ चैनल है वो मेरे नाम से जैसे मैंने बोला, और उसमें मैं डालती हूँ, अभी तक सिर्फ 3 ही वीडियोस डाले हैं, ज्यादा डाल ही नहीं पाई उसमें।
उसमें मैं सारे अपने सिर्फ सॉन्ग्स और डांस परफॉर्मेंसेस डालती हूँ। डांस एक ही डाला है, कब से सोच रही हूँ कि एक और डालूंगी। गाना भी मैंने अपना फाइनलाइज करके रखा मन मन में, बट प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। कर पाती हूँ क्या, करती नहीं हूँ, लेजीनेस। तो एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए मुझे लगता है लाइफ में। अगर मन है में है तो करो, नहीं कर रहे हो मतलब तुम में ही कुछ टाइम मैनेजमेंट की कमी है। सो लेट्स सी व्हेन आई विल बी एबल टू डू अनदर डांस सॉन्ग डांस परफॉर्मेंस। बट गाने उसमें दो है, तो यही इस तरह से मेरे चार अलग अलग चैनल है। मुझे एक फ्रेंड कुछ दिन पहले मिली तो उसको भी शो सरप्राइज, उसको लगा था कि सारे जो मैं वीडियोस डालती हूँ वो एक ही चैनल के अंडर में आता है, बट ऐसा नहीं है। मेरे चारों चैनल अलग अलग है, तो प्लीज डू गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दोज चैनल्स ऑल्सो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं इस चैनल के ना कम्युनिटी टैब में हमेशा, जब भी दूसरे चैनल में कोई वीडियो डालती हूँ इसमें मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ इनकेस कोई मिस ना कर जाए। तो यही छोटा सा अपडेट देना था। और आज एक इंटरेस्टिंग काम करूंगी मैं, अमेजोन से एक पार्सल आया था तो उसको आज मैं खोल के जिसलिए मंगवाया था वो आज करूंगी इवनिंग में। तो ना एक्चुअली वही चाय पीने के बाद मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, वहां लग गया आधा घंटा। और उसके बाद हिया मैडम का ऑलमोस्ट एवरी डे यही रूटीन है, म्यूजिक लगाओ, डांस करो, गाओ। और दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग। एक्चुअली नंबर वन उसका फेवरेट सॉन्ग जो है वो है Everything I do it for you from by Bryan Adams। और second है Please forgive me, I can't stop loving you। और ये है third। तो वही वो सारे गाने हो गए, बट वो दोबारा सुनेगी। अभी ये वाले गाने पे चल रहा था ये वाला गाना तो मुझे उठा दी, यदि तुम भी डांस करो। और पीछे सुमेन एज यूजुअल अपने लैपटॉप और अपने पीसी में बैठे हुए हैं या, और हम लोग को कुछ पुराने पिक्चर्स दिखा रहे थे इसी घर के हैं या, एक मिनट, तो वही देख रहे थे। चलो अभी ना मैं आपको लेके चलती हूँ दिखाने की मैं अपने बाथरूम का जो डोर्स है उसको कैसे चेंज करूँगी। तो ये मैं अपने बेडरूम के बेडरूम से जो अटैच्ड बाथरूम है ये उसका डोर है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉलिन से और क्लॉथ से करूँगी क्लीन, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी सारे स्टिकर्स ला के कि इनमें से कौन सा मुझे लगाना है इस रूम के लिए। तो इस बेडरूम के लिए मैंने सोचा है ये वाला स्टिकर लगाऊं। ऐसे कितने दो शीट्स दिए हुए हैं सेम। अभी लगाने के बाद डोर काफी कलरफुल लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा फुल लुक दिखाऊं। तो ये सब करने में हो गया है 9:30, तो पहले कर लेते हैं डिनर, उसके बाद करूंगी बाकी के दो बेडरूम्स के बाथरूम का डोर का थोड़ा सा लुक चेंज। नेक्स्ट डे और अभी बज रहा है, यही देख रही थी 11:45। ये एक्चुअली सोमेन का है प्राणायाम करने के लिए टाइमर,
बट हमेशा टाइमर वाले मोड में आता है. मैं जब भी देखती हूँ तो फिर मुझे उसको ठीक करना पड़ता था. अभी आईएसटी में कर दिया है. एनीवेज तो कल मैंने सारे डोर्स को तो लगा ही दिया है क्लीन करके. तीनों बेडरूम के जो डोर्स है उसमें मैंने चिपका दिया है. बट आज सुबह से उठ के काफ़ी सारा काम भी हो गया. घर भी क्लीन कर लिया है, बेडरूम्स भी अरेंज कर लिए हैं, ब्रेकफास्ट भी खा लिया है. और आज वैसे थोड़ा सा कल का चिकन पड़ा था, बट टुडे अगेन आया है हिल्सा फिश, वो भी शायद विद एग्स. मतलब देखना पड़ेगा, अभी तक मैंने वॉश नहीं किया है, 15 मिनट पहले ही आया है. और वहीं बैठे थोड़ा सा, अभी कहते हैं ना सांस लेना, दिन भर आप सुबह सुबह लगे रहते हो एकदम अपना ढाल तलवार देके, बट इतनी गर्मी है यहाँ पे और गर्मी से भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा है क्या बताओ. तो वही अभी थोड़ा सा आराम कर रही थी, एसी का हवा लेके, ऐश करना जिसको बोलते हैं. तो एसी भी चल रहा है इस रूम में, तीनों फैन भी चल रहे हैं और हम तीनों एज यूजुअल अपने लिविंग रूम में हैं. दिखाती हूँ मैं आपको. वो एक जन लगे पड़े हैं अपने लैपटॉप डेस्कटॉप सब में. हिया मैडम घूम रही है थोड़ा मेरे आसपास. और मैं यहाँ बैठ के आप लोग से बात कर रही हूँ. और मैं ना रिसेंटली अपना फोन चेक कर रही थी, तो मैं आई थिंक लास्ट 1 मंथ से नोटिस कर रही हूँ मेरे ये जो कुशन कवर्स है ना, ये काफ़ी हिट हो गए हैं. यू नो मतलब इंस्टाग्राम में अगर आप देखो, इवन काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो कि इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर अपना चैनल चला रहे हैं, आई एम सीइंग दे आर ऑल्सो यूजिंग अ लॉट ये वाले. जो मैं कुशन आपको थोड़ा सा भी दिखाऊंगी क्लोजअप में, तो आप भी देख लो अगर कभी आपको दिखे ना, तो ये वाले पहले, ये तीन, वो एक फोर्थ, ये वाइट वाला, और ये इसमें लिखा है लिव सिंपली. तो ये वाले कुशन कवर्स में इतना ज्यादा नेट में देख रही हूँ. ऑल्दो आई कैन नॉट शेयर द पिक्चर्स ओवर हियर क्योंकि वो मेरे नहीं है. तो इन केस अगर कभी कुछ अगर इशू आए कि आपने मेरे पिक्चर्स यूज किए, तो अगर आप नोटिस करो ना, अगर आप भी डेकोर के वीडियोज या फिर फोटोग्राफ देखना आपको अच्छा लगता है, तो ध्यान रखना ये वाले बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है. तो अच्छा लग रहा है. मैं तो लास्ट ईयर लिया था ड्यूरिंग समर्स, तो एक गुड गुड फील होता है कि चलो एक हिट प्रोडक्ट हम भी अपने घर में यूज़ कर रहे हैं. तो यही है. तो चलो मैं पहले आपको सारे रूम्स दिखाती हूँ कि आफ्टर डोर का थोड़ा सा जो मेकओवर करने के बाद कैसा लग रहा है, एंड देन ओवर टू द किचन चलते हैं कुकिंग करने. और ये है हिया के रूम का बाथरूम का डोर, इसको ऐसे किया है. मैं ये सोच रही हूँ ये जो लैचेस है ना, ये लैच और ये हैंडल, इनको भी पेंट कर दूं, बट देखते हैं. अगर करूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी. ये इस साइड से भी दिखा रही हूँ हिया का ये. और अभी हम लोग आ गए हैं थर्ड बेडरूम में. ये है मंदिर बेड, टीवी, और ये है यहाँ का बाथरूम का डोर. तो ये भी मैं आपको सामने से दिखाती हूँ. अभी ये है इस डोर का, ये थोड़ा सा हटके किया है, उनमें थोड़ा सा अलग है ये ऐसे. बट वही मैं सोच रही थी कि ये वाले लैच को ग्रीन कलर में करूंगी. मेरे पास ग्रीन कलर है, ग्रीन एंड रेड कलर है, तो आई थिंक थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा. बट देखते हैं ये हैंडल और ये लैच करूंगी कि नहीं. बट क्योंकि ये इससे ज्यादा क्लीन नहीं हो रहे, मैंने बहुत कोशिश किया है. ये काफी पुराना फ्लैट, आई थिंक ये 11-12 साल पुराना फ्लैट है, तब का है ये सारे लैचेस एंड हैंडल. तो इसलिए इससे ज्यादा कलर ठीक नहीं हो पा रहा इसका. तो ये आगे मैं अपने बेडरूम में, ये है बेडरूम का डोर.
लिखा है वेडनेसडे का मेन्यू सोर से इलिश और बांदा कॉपी, मतलब बांदा कॉपी कैबेज को बंगला में बांदा कॉपी बोलते हैं, तो आज ये दो स्पेशलिटी है। तो चलो अभी चलते हैं कुकिंग करने, बट उससे ही पहले मुझे करना है फिश को क्लीन और देखते हैं कि आज फिश में एग है कि नहीं, क्योंकि एग वाला फिश बोल के प्राइस लिया है जो कि थोड़ा सा कॉस्टली रहता है विदाउट एग, और रेनी सीजन का ना यही स्पेशलिटी है कि हिलसा फिश विद एग वाला मिलता है, तो एग के साथ हो तो बहुत टेस्टी होता है, बट एनीवेज जो मिले वही सही। तो चलो पहले आप फिश को क्लीन करते हैं। तो इन फिशेस में एग्स है, फिश में एग्स है, इसलिए मैंने इनको प्लेट में मैरिनेट किया है, और ये है बाकी का फिश। तो सबसे पहले इनको इसलिए मैरिनेट कर रख दिया, इसी के साथ टेस्ट भी अच्छा आएगा। एक्चुअली क्या है ना, हिलसा फिश का जो हेड है उसके साथ ये बन को भी बहुत अच्छा बनता है, मतलब थोड़ा सा प्याज, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, आलू, बंदा गोभी और फ्राइड फिश हेड को मैश करके इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। बट वही है, एक तो हिलसा फिश में वैसे भी बहुत ज़्यादा कांटा होता है, और ये बहुत बड़ा नहीं है हिलसा फिश, आई थिंक ये 900 ग्राम का होगा, तो फिर ये होगा ना हिया को फिर खाने में तकलीफ होगा, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। बट अगर कई बार बहुत बड़े फिश का अगर हेड आता है तो देन आई मेक इट दैट वे, इसलिए आज ये बंदा को भी बनाऊंगी सिंपल अदरक, हरी मिर्च और जीरा के साथ। तो ये चॉपिंग हो गया है कंप्लीट, और अभी मैं सबसे पहले बना लूंगी पेस्ट फिश के लिए। तो उसके लिए अभी ऐड करूंगी येलो मस्टर्ड सीड्स, 4 टीस्पून करीब ऐड कर रही हूँ। और ऐसे वाले चम्मच आई गेस मेरे सारे जो फीमेल फ्रेंड्स है वो पहचान जाएंगे, ये एक्चुअली हिया का बचपन का वो जो लैक्टोजेन नहीं आता था, लैक्टोजेन सेरेलैक, उसके साथ ही चम्मच आता था, तो वही अभी तक मैं यूज कर रही हूँ। क्यूट भी लगता है, कलरफुल भी है, काफी सारे तो मेरे खराब भी हो गए बट कुछ कुछ अभी है, तो यही छोटी छोटी चीजें, पुरानी चीजें देख के भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा फील गुड तो होता ही है। तो ये मेरे अभी इन सब मसाला स्पून की तरफ से काफी काम दे रहे हैं। बाद में ऐड कर रही हूँ ये अदरक, 2 ये हरी मिर्च, और थोड़ा सा पानी के साथ एक पेस्ट बना लूंगी। कढ़ाई में मैं बता रही हूँ बंद गोभी की सब्जी, तो उसमें मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्च को तोड़ के पहले। और ऐड कर रही हूँ जीरा। तो बंद गोभी में मैंने एक साथ ही डाल दिया है अदरक और टमाटर, और अभी हिलसा फिश के लिए मैंने एक बड़े से सॉटे पैन में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 5 फोड़न।
और अब मैं तेल में ऐड कर दे रही हूँ ये मस्टर्ड पेस्ट को, थोड़ा सा फ्राई करूंगी। मैं दही के साथ थोड़ा सा पानी मिला लिया है, मैंने ऑलमोस्ट 4 टेबलस्पून दही लिया था और थोड़ा सा पानी मिला के फेंट लिया अच्छे से। हल्दी यहाँ पे 3/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और साथ में सॉल्ट स्वाद अनुसार। इसमें डाल दूंगी साथ में थोड़ा सा पानी और ऐड करना है। ढक दे रही हूँ इससे कि थोड़ा सा ग्रेवी में बॉईल आ जाए। और अभी बंद कोई भी नमक और हल्दी मिला के मिक्स करके ढक करके स्लो आंच में कुक करती रहूंगी। हमारा ग्रेवी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे फिश पीसेस। सबसे ध्यान से पहले मुझे ऐड करना ये एग वाले जो फिश है, क्योंकि अदरवाइज एग क्या होता है कि निकल जाता है फिश के अंदर से। तो बस 2-3 मिनट के अंदर ही ये हो जाएगा, 2-3 मिनट नहीं 5 मिनट के अंदर मैं एकदम लो फ्लेम में कुक करूंगी। सुबह का जितना ही बर्तन है सोच रही हूँ डिशवॉशर में लगा लेती हूँ। तो चलो मेरा कुकिंग भी कंप्लीट हो गया है, 1:30 हो गया, किचन भी क्लीन, कुकिंग कंप्लीट। मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपना लंच दिखाती हूँ। तो और मैं चली अब शावर लेने, गर्मी लग रहा है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँ, शावर लेके थोड़ा आराम लगता है। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और एक चीज रिमाइंडर दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय, सी यू सून, टेक केयर एंड स्टे सेफ।